नमस्कार दोस्तों, भूपेन्द्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों 31 मई की दोपहर बाद की बहुत बड़ी न्यूज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि जिला आवंटन से संबंधित है। पीएनपी ने जारी किया नोटिस कि आज ही जिला आवंटन सूची आएगी। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 13 प्रश्नों पर एजेंडर काउंटर दाखिल पीएनपी से, और आज ही मेरिट लिस्ट आएगी ऑफिशियल साइट पर। दोस्तों इन सभी न्यूज़ की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं 13 क्वेश्चन, जो 13 क्वेश्चन पर सरकार ने रिजेंडर लगाया है वे कौन कौन से, वो हम आप सभी को दिखाते हैं कि 13 क्वेश्चन पर लगभग 4 क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं आंसर मिलने के, जिन पर कल को नंबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है, वो कौन कौन से क्वेश्चन, वो सभी आप सभी को दिखाते हैं। आप सभी देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में आयोजित रिट संख्या 8095/2020 आशीष तिवारी व अन्य बना उत्तर प्रदेश सरकार अन्य की आपत्ति। देखिए कुल याचिका संख्या 109 है और आपत्ति याचिका करने वाले संख्या 55 है, और उसमें कुल 13 क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज की गई है। आप सभी देख सकते हैं कि इसमें 13 क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति दर्ज की गई, वो भी हम आप सभी को दिखाते हैं कि 13 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट है आपका खाने का नमक, कि खाने का नमक है, स्वयं सिद्ध है, नाथपंथ है, केंद्रीय ग्लास श्रमिक संस्था है, और आप देख रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका, चिदंबरम, महावीर द्विवेदी और जनजाति, और भारत में गरीबी का आकलन, और इसमें से संविधान सभा और पढ़ने लिखने की अक्षमता से संबंधित, ये कुल आपके 13 क्वेश्चन जिन पर लखनऊ बेंच में इनको चैलेंज किया गया था। कि आशा करते हैं कि जो कल होने वाली सुनवाई है उस सुनवाई में आपको कुछ नंबर मिलने की इनमें से पूरी पूरी संभावना इनमें से बन जाए, क्योंकि लखनऊ बेंच में जो रिट दाखिल की गई थी इस पर कल भी सुनवाई हुई थी और इसमें कल मतलब मंडे को भी इसमें 1 जून को सुनवाई होगी। ये तो 13 क्वेश्चन जो हमने आप सभी को दिखाए, और साथ में आप सभी को दिखाते हैं कि जिला आवंटन की सूची से पहले सरकार ने जो नोटिस जारी किया वो भी आप सभी देख पा रहे हैं। कि देखिए 29 तारीख का निकला हुआ है, किंतु ये देरी से मिल पाया था, जिसमें जिला बेसिक प्राचार्य के नाम से है कि उत्तर विषय है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित सहायक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संदर्भ में है। कि क्या है कि महोदय आपको दिखा चलते हैं, जो मेन चीज़ है इसमें ये है कि देख रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा 75 जनपदों का स्वयं द्वारा वरीयता क्रम का निर्धारण किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा गुणांक भारण की वरीयता एवं जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद की काउंसलिंग में दिनांक 3/6/2000 से लेकर 6/6/2020 को प्रतिभाग कर सकेंगे, और समस्त वांछित अभिलेख एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण पाए जाने उपरांत अभ्यर्थी को उसी जनपद में नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। और साथ में जो इसमें मेन पॉइंट है, एक इसे देख सकते हैं कि जनपदीय चयन सूची में संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अभिलेखों की जांच करता पाए जाने के समय परिषदीय विद्यालय में सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। और आप सभी को इसमें दिखा चलें कि जो इसमें आवेदन शुल्क जो मांगा गया है वो बैंक ड्राफ्ट द्वारा मांगा गया, जो कि जनरल और OBC के लिए 500 का है, और SC और ST के लिए इसमें 200 रुपये का है, और जो आपके विकलांग हैं उनके लिए इसमें निःशुल्क की व्यवस्था इसमें की गई है। और ये आप सभी को देख सकते हैं कि ये विजय शंकर जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने सेंड किया है। और आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी को भूपेंद्र सिंह।